तो क्या हाल चाल आप सभी के। जिंदगी में कुछ हो या ना हो, लेकिन हंसना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको हंसाने आ चुका हूँ। तो सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको, ज्यादा टाइम का चुप्पू नहीं चलाएंगे, बढ़ते हैं सीधा वीडियो की ओर। तो सबसे पहले ऐसा बच्चा देखते हैं जिसने अपने बाप के ही होश उड़ा डाले, तो चलो यार देखो। शाबाश बेटा। इस बच्चे के बाप ने अपने बच्चे को कंधे पर बिठाया, लेकिन वो कान में ही मूतने लगा। यार यानी के बच्चे को दूध पिलाया और वो उल्टा बाप पर ही फेंक रहा है। तो चलो यार, ये बच्चा पंगे ले रहा था अपने बाप से। यार बच्चे ने पूरी कोशिश की आंखों को निकालने की, लेकिन बच्चा भाई असफल रहा, बहुत उल्टे सीधे पंगे लेता रहा। यार अपनी आंखें संभाल कर रखा करो, क्योंकि अगर बच्चे आंखें निकालने पर आ गए ना, 2 मिनट में भाई आपके लेंस को निकाल के भाई कंचे खेलने लगेंगे। इसलिए भाई सावधान रहो, सुरक्षित रहो और बच्चों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखो। वो टाइम भी जल्द ही आ जाएगा जब माँ बाप ये कहेंगे कि कुत्ते से डर नहीं लगता साहिब, अपने बच्चों से लगता है। अब ये बच्चा तो भाई तोते से पंगे किए जा रहा था और भाई चुमियाँ ले रहा था तोते की। अरे भाई ऐसा कौन करता है, तोते की चुमियाँ कौन लेता है। लेकिन यार ये बच्चा ऐसे कारनामे कर दिखाता है क्योंकि ये अंग्रेजों का बच्चा है। अंग्रेजों के बच्चे तो भाई सांपों की भी चुमियाँ ले सकते हैं, ये तो फिर भी प्यारा सा तोता था। भाई ये अंग्रेजों का बच्चा तो तोते की चुमियाँ ले रहा था, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब ये सांपों की चुमियाँ लेते हुए देखे जाएंगे। लेकिन भाई चाइना के बच्चे वो भी कर डालते होंगे, सांपों की ही चुमियाँ ले रहे होंगे। मतलब कि मजा आया। जब कोई बच्चा पहली बार जिम में जाता है तब वो ऐसे ही देखता है कि मेरे डोले शोले बने कि नहीं बने। अब इस मुन्ने को कौन समझाए कि डोले शोले बनाना बच्चों के बस की बात नहीं है। यार किसका बच्चा है, मतलब कि दूध वूध पिलाओ यार इसको। यार बच्चे को छोड़ो, अगर कोई बंदा भी जिम में पहली बार जाता है ना, तो भाई पहले दिन वो ऐसे देखता है कि जैसे भाई पहले दिन से ही उसकी बॉडी बननी स्टार्ट हो गई है। लेकिन भाई बड़ा हरामी हो बेटा। यार जब हम लोग बच्चे होते थे तो घास को उखाड़ फेंकते थे, लेकिन भाई अंग्रेजों के बच्चे अलग लेवल के हैं। वो तो घास से ऐसे डरते हैं कि जैसे कि भाई कोई सांप वगैरह है। यार मैंने पहले ऐसे बच्चे कभी भी नहीं देखे जो कि घास से डरते हैं, लेकिन भाई आज मैंने आपको वो बच्चे दिखा दिए, क्योंकि तेरा भाई सुरेंद्र ऐसे ऐसे कारनामे करता है जो कि आपने सोची ना होगी। यानी कि बवंडर लाता है, पूरा बवंडर। यार ये बच्ची लॉकडाउन में पैदा हुई थी, तभी से भाई इसको हर जगह सैनिटाइजर ही दिखाई देता है, चाहे वो ईंटे हों या फिर हो कोई लाइट। भाई सैनिटाइज कर रही है हाथों को, जहाँ भी कोई चीज मिलती है वहीं पर। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। यार लॉकडाउन में आपके आसपास या आपका भी बच्चा हुआ होगा, अगर हुआ है तो भाई वो भी हर जगह ऐसा करता है कि नहीं, नीचे कमेंट करके बताओ। भाई अब सैनिटाइज करने का क्या फायदा जब कुत्ता चुग गया खेत। तो चलो यार यहीं पर नहीं रुकेंगे, एक ऐसा बच्चा देखते हैं जो कि रोते जा रहा है और उसकी माँ भी रोते जा रही है। क्या बच्चा क्या माँ, भाई सभी रोते जा रहे हैं। तभी बच्चे ने जो किया भाई होश उड़ जाएंगे, देखो आप। जब इसकी माँ रोती है तो ये निप्पल निकाल के माँ के मुंह में डाल देता है और खुद रोने लग जाता है। और माँ निप्पल निकाल के फिर बच्चे के मुंह में डाल देती है और माँ फिर से रोने लग जाती है। बच्चे से भाई माँ को रोते हुए नहीं देखा गया और फिर से वो निप्पल माँ के मुंह में दे देता है। अरे यार देखा कितने कमाल का बच्चा था, खुद भी रो रहा था और निप्पल निकाल के। मतलब कि बच्चे से माँ का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, खुद का रोना बर्दाश्त हो रहा था, खुद भी चुप नहीं कर रहा था। मजा आया। तो चलो यार मुझे पूरा यकीन है कि आज की वीडियो को देखकर आपको बहुत ही मजा आया होगा, इसलिए सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको और हंसते रहा करो आप सभी, है ना। मिलते हैं नई वीडियो में।